वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दुलार में। तो आइए आज हम लोग पढ़ाई करेंगे चैप्टर थ्री। आप लोग देख रहे हैं ये तृतीय किरण, इसका मतलब है चैप्टर थ्री। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बालक भरत के बारे में। बालक भरत एक छोटा बालक था। आप लोग देखिए यहाँ पे, ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है। आप लोग हमेशा देखते होंगे, आपके स्कूल में इस बालक का चित्र रहता होगा। इस बालक का नाम है भरत, बालक भरत। और इस चैप्टर का भी नाम है बालक भरत। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। हमारे शिशु मंदिर में एक चित्र है, यहाँ भी लिखा हुआ है शिशु मंदिर, जो हमारा विद्यालय है उसका नाम लिखा हुआ है कि वहाँ पर एक चित्र है, एक वीर बालक का चित्र है। इसमें बालक सिंह के दांत गिन रहा है। इस चित्र में ये बालक जो है वो सिंह के दांत गिन रहा है, सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। और उसके बच्चे सिंह के बच्चे के साथ यह बच्चा खेल रहा है। उसकी माँ शकुंतला उसे दूर से देख रही है। यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर दिखाई दे रहा है, हम इसको जूम करके थोड़ा दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे राजा और रानी, उस बालक की माँ और उनके पिताजी जो कि एक राजा और रानी हैं। आइए हम लोग इसको अब छोटा कर लेते हैं। उसकी माँ शकुंतला उसे दूर से देख रही है, बालक के साहस को देखकर खुश होती है। बालक की निडरता, उसे जो भय नहीं लगता है, उसको देखकर उसकी माँ खुश हो रही है। एक दिन उसके पिता दुष्यंत आए, इनके पिता का नाम दुष्यंत था। दुष्यंत ने निडर बेटे को देखा, हृदय से लगा लिया। अपने बच्चे को जब देखा कि इतनी निडरता के साथ सिंह के साथ खेल रहा है, तो उसने उसे गले लगा लिया। उस बालक का नाम भरत था। इस बालक जो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, उसका नाम भरत है। भरत बड़ा हुआ, वह इस देश का राजा बना। और बालक भरत बड़ा होकर एक राजा बनता है, अपनी वीरता से देश का महाराजा बना। और वह राजा से भी ऊंचे पद पर महाराजा बन गया। अपने अच्छे गुणों से सबका हृदय जीता, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी गुण थी जिससे सभी व्यक्ति के हृदय को, उसके दिल को जीत लिया। अपने अच्छे स्वभाव से सबका प्यारा बन गया, और वह अच्छा अच्छा काम करता था, सबसे अच्छा व्यवहार करता था, जिससे कि सभी लोग उससे प्यार करते थे। इसी वीर के नाम पर हमारा देश भारत कहलाया। और ये बालक, ये वीर बालक जो है, इसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत संसार में महान देश बना। इस तरह से हमारा देश एक महान देश बन जाता है। राजा ऋषभ देव के पुत्र का नाम भी भरत था। और एक राजा और थे, उनका नाम था ऋषभ देव, उनका पुत्र का भी नाम भरत था। वह भी बड़ा वीर राजा था। तो वो बच्चा जब बड़ा हुआ, वह भी एक वीर राजा बना। इस कारण से भी यह देश भारत कहलाया, और उसके नाम से भी हमारे देश का नाम भारत कहलाया। राजा दशरथ के चार पुत्र थे। राजा दशरथ का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, वो रामायण में राम के पिता थे, उन्हीं का नाम राजा दशरथ था। एक का नाम भरत था। राजा दशरथ के चार पुत्रों में से एक का नाम भरत था। राम और भरत में बड़ा स्नेह था। राम और भरत एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और एक दूसरे से मिलकर रहते थे। राम पिता के वचन के अनुसार भरत को राज देने के लिए जंगल गए। उनके पिता ने ऐसा वचन दिया था जिसके कारण राम अपने पिता के वचन के अनुसार भरत को राज देकर वो जंगल चले गए, तप करने लगे। भरत राम के लिए तप करने लगे। भरत राम के इंतजार में तप करने लगे। वे इंतजार कर रहे थे कि राम कब जंगल से वापस लौटेंगे। भरत का त्याग अथाह था। भरत एक त्यागी व्यक्ति थे, वे सब कुछ राम के लिए त्याग सकते थे। भरत का प्रेम असीम था। भरत के मन में अपने भाई श्री राम के प्रति अथाह प्रेम भरा हुआ था। यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं, ये शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको पढ़ के याद कर लेना है। मंदिर, पूजा या साधना का घर, सिंह, शेर, साहस, हिम्मत, वीरता, बहादुरी, महान, बड़ा, स्नेह, प्रेम, त्याग, छोड़ देना, अथाह, जिसकी कोई सीमा ना हो। इसमें कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं, वाक्य बनाने के लिए दिए हुए हैं, और यहाँ पे इसको कर्म से सजाने के लिए दिए हुए हैं।
तो आइए मैं आप लोगों को इसका उत्तर बना के दिखाता हूँ। ये देखिए पार्ट थ्री बालक भरत, इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। बालक भरत किसके दांत गिन रहा था? बालक भरत सिंह के दांत गिन रहा था। राम के भाई भरत कैसे थे? राम के भाई भरत त्यागी थे। दूसरे भरत कौन थे? दूसरे भरत राजा ऋषभ देव के पुत्र थे। इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा? वीर भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। टू नंबर में वाइक बनाने के लिए दिया हुआ था, तो हमने इसका वाइक बना दिया है सिंह। सिंह जंगल में रहता है, साहस बड़े कार्य साहस से होता है। मंदिर, मंदिर में भगवान है। प्रेम, भरत का प्रेम असीम था। वीर, भरत वीर बालक था। थ्री नंबर में कर्म से सजाएं दिया हुआ है, ये पहले कौन आए, कौन से भरत पहले आए उसे सजाना है। तो पहले दुष्यंत पुत्र भरत ये फर्स्ट नंबर में आए, इसीलिए मैंने पहले यहाँ वन लिख दिया है। दूसरे नंबर में ऋषभ देव के पुत्र का नाम भरत, तो ये दूसरा नंबर में आए, इसीलिए मैंने यहाँ टू लिख दिया है। और तीसरे नंबर में ग नंबर में दशरथ नंदन भरत, तो दशरथ के पुत्र भरत तीसरे नंबर में आए, तो यहाँ मैंने थ्री लिख दिया है। ये कम्प्लीट हो गया, यहाँ पर चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगले चैप्टर को पढ़ाई करने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं।